क्यों आज मैं आपको पापड़ी बनाने की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पापड़ी बनेगी। इंग्रेडिएंट्स थे आप नोट कर लें। 2 कप मैंने लिए ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड यानी ज़ीरा, 5 टेबलस्पून ऑयल और पानी हम लेंगे वाटर हसबे ज़रूरत। आइए हम अब इसका आटा गूंदते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें ऑल पर्पज़ फ्लावर डालूंगी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सॉल्ट और साथ ही हम डालेंगे ज़ीरा क्यूमिन सीड। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको गूंद लेंगे। देखिए हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, इसको पतला नहीं गूंदना, थोड़ा सा ज़रा हार्ड गूंदना है। ये देखिए डो रेडी है। हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और फिर इसके बाद मैं बताऊंगी कि हमने क्या करना है। ये देखिए 10 मिनट्स हो गए। अब हम काउंटर पे थोड़ा सा खुशका लगाते हैं इसका, छोटा सा पेड़ा लेंगे और इसको रोल करेंगे। देखिए रोटी मैंने बेल ली, कोई भी कटर ले लें, उसके साथ इनको ऐसे ऐसे काटते जाएं। देखिए इसको ऐसे करके सेपरेट कर लें, उधर ये बाकी है इसका फिर पेड़ा बना लें। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। अगर आप हाई पे करेंगे ये बर्न हो जाएंगी। अब हम इनको साइड पे रखते जाते हैं। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें पापड़ियाँ डालेंगे। आप इसके अंदर चम्मच नहीं हिलाइएगा, ये देखिए खुद ब खुद ही जब एक साइड इसकी कुक होने शुरू हो जाती है तो ये खुद ब खुद ही ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। पहले तो देखिए मैंने आपको स्मॉल वाली बना के दिखाई है, अब मैं आपको बिग साइज में बना के दिखा रही हूँ। ये बिग वाली भी बनाए, ये देखें उनको भी ऐसे ही फ्राई करेंगे जैसे ये स्मॉल वाली को हमने फ्राई किया है। ये देखिए ऑलमोस्ट ये फ्राई हो गई है, तो अब हम इसको निकालते हैं। ये देखिए एक प्लेट में मैंने रख लिया है नैपकिन, निकालेंगे इसमें रखते जाएंगे। अब देखिए हम बड़े साइज की इसमें डालेंगे। ये देखिए इसकी एक साइड हो गई है, हमने इसकी साइड चेंज कर लिया। देखिए कितनी क्रंची बनी है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप अपनी शेयर करूँगी, अगर तो आपको फूली फूली पापड़ी चाहिए तो फिर आप इनको ऊपर से फोर्क के साथ ना ऐसे करें ना। अगर तो आपको ये है कि फूली फूली ना हो तो फोर्क लेके उनको 2-3 टाइम्स ऐसे कर लें ताकि ये फिर फूलेंगी नहीं। अगर तो आपने फूली फूली लेनी है तो फिर आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है।
ये देखिए आपके सामने दोनों तरह की बड़ी भी और स्मॉल भी पापड़ियाँ रेडी हैं, तो आप इसको ट्राई लाजमी कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।